सावन का महीना और चारों ओर हरियाली। भारतीय वातावरण में इससे अच्छा कोई और मौसम नहीं बताया गया है। जुलाई आखिर में या अगस्त में आने वाले इस मौसम में ना बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। वातावरण को अगर एक बार भुला भी दिया जाए, किंतु अपने आध्यात्मिक पहलू के कारण सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित रहता है। इस माह में विधि पूर्वक शिव जी की आराधना करने से मनुष्य को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसीलिए इस महीने में खासतौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शिव भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा और दूब आदि से शिवजी को प्रसन्न करते हैं और अंत में भांग, धतूरा और श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। सावन माह के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद भी महादेव के लिए ये विशेष हो गया। वैसे सावन की महत्ता को दर्शाने के लिए कई और कहानियां बताई गई हैं, जैसे मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इस सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला, उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। किंतु कहानी चाहे जो भी हो, बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिव जी की आराधना का महीना माना जाता है। यदि एक व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, तो ये सभी प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करता है। सावन के सोमवार से प्रसन्न हो जाते हैं शिव भगवान। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव के ध्यान से विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है, साथ ही साथ गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।